चलती है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि पहले तो शायद हिंदू धर्म में होंगे और आज आपने अगर चुन्नी भी डाल रखी है तो वो गौतम बुद्ध के प्रिंट हुई डाल रखी है और लॉकेट भी गौतम बुद्ध का पहन रखा है, कैसे आज आप दीप दानो उत्सव मना रहे हैं? सर मेरी जब पहले अभी जैसे कि आपने बोला है कि आप पहले हिंदू थी, पहले मैं हिंदू थी, लेकिन जब मेरे को नहीं पता आप थी या नहीं। मैं बोल रही हूँ सर, मैं पहले हिंदू ही थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी मेरी बौद्ध धर्म से हुई, उसी दिन से मैंने कभी हिंदू समाज को देखा नहीं। और अभी कुछ दिन ही पहले मैं कई जगह गई हूँ और जो मेरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है, उसमें से कई महिलाओं को मैं लेके गई हूँ नालंदा, बोधगया, राजगीर और बनारस, लखनऊ, जिससे कि वे ये देख सकें कि भाई हाँ ये बौद्ध धर्म है। और मैं समझती हूँ कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा धर्म है और मैं दिवाली पे इसलिए मनाती हूँ क्योंकि जो हिंदू धर्म है और हमारे लोग हैं वो भी उसी की लहर में बहते जा रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि दीपावली पे हम भी दीपावली मनाएं क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिंदू धर्म के संस्कार लेते जा रहे हैं और अपने महापुरुषों को वो भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं मानती हूँ कि बाबा साहब को भी बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, जैसे कि अभी शील मोदी जी ने बताया कि हमें स्पीकिंग क्लास लेते हैं, उसमें लगभग 80 बच्चे हैं, हम उन्हीं को बौद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहब के बारे में बताते हैं। तो अगर हम अपने जो हमारी जनरेशन के हैं उन्हें हम नहीं समझ पाते, ना ही वो हमें समझ पाते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, अभी आपने कहा कि हम दीपावली मनाएं, अब आप दीपावली मनाएंगे या दीप दानो उत्सव मनाएंगे? दीप दान उत्सव मनाएंगे क्योंकि जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि हमें सबको लेके चलना है, न कि हमें अपना। अच्छा अब आप कैसे मनाएंगे, थोड़ा सा बताओ कि लक्ष्मी मैया की फोटो लगाओगे, गणेश जी की फोटो लगाओगे और हिंदू देव 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो आपको पसंद है उनको वहाँ लगा करके दिए या मोमबत्ती मिठाई और कुछ धनराशि वहाँ पर रख के मनाओगे, कैसे मनाओगे? अगर आप ऐसे नहीं मनाओगे तो जो हमारे देश की जनता ये सुन रही है, देख रही है, वो कैसे मनाए? जो हमारे देश की जनता देख रही है, जैसे कि सभी जानते हैं धीरे धीरे, अब जैसे यहाँ रविदास जी हैं जो कुछ इस तरह के मनाते हैं, कोई जो हम फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म को, तो मेरे घर में कोई ऐसी मूर्ति नहीं है हिंदू धर्म। आप ये बताइए आप कैसे मनाएंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ, उस टेबल पे क्या क्या हो? मेरे टेबल पे 2 गमले होते हैं साइड में और बाबा साहब की मूर्ति होती है, काशीराम जी की भी होती है, रविदास जी की भी होती है, भगवान बुद्ध की मैन होती है मेरे घर में जी। और उसके बाद आज जो मेरे घर में बुजुर्ग हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं मैं उनकी भी रखती हूँ और दीप जलाती हूँ, वहाँ पे कैंडल भी रखती हूँ। अब बाकी जो हम बुद्ध वंदना करते हैं उसके बाद, तो मैं इस तरह से अपनी दीपावली मनाती हूँ और जो मेरे आस पड़ोस के होते हैं उनको भी मैं पास में बुलाती हूँ कि आप ऐसे कीजिए, आप दीपावली मनाइए लेकिन ये तरीका अपनाइए, आप दीपावली मनाइए पर दीप दानो उत्सव के रूप में मनाइए। हाँ जी, दीप दान उत्सव के रूप में। आप कैसे मना रहे हैं आज? दीपदान उत्सव के रूप में ही हम दीपावली मनाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे कि रूढ़िवादी सोच छोड़ करके एक शिक्षित और अच्छी सोच से दिवाली मनाए, सबको एक दूसरे के साथ लेके चले, किसी के साथ भेदभाव ना करें और बच्चे शिक्षित हो। माताओं बहनों से सबसे अनुरोध है कि उनको शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रसर करें। जी बिल्कुल। माता जी गुलाब के फूल हाथ में है और आपने बैच जो है वो भी तथागत गौतम बुद्ध का लगा रखा है, अब आप दीप दानो उत्सव मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और मना तो रहे हैं, तो कैसे मना रहे हैं? बुद्ध का मना रहे हैं, अपने बुद्ध धर्म से मना रहे हैं जी जी। हाँ, और ये दीप है, फूल है, ये अपनी अपने बुद्ध के खुशी के लिए, अपने बौद्ध धर्म की खुशी के लिए। और आज हमें 50 साल हो गए बौद्ध धर्म मानते हुए। अरे वाह, हमारे साल में कोई शादी फेरों से नहीं होती है, बहुत बढ़िया, बौद्ध धर्म से शादी होती है तो सब ठीक ठाक है, कोई ऐसा तो नहीं कि भैया वो देव जगे हुए थे, उठे हुए थे, परेशानी हो गई, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कुछ? मेरे मुहूर्त मुहूर्त में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, मेरे घर में कोई देवी नहीं मिला, कोई देवता नहीं मिला, कुछ नहीं मिले। हमारा जो चाहती है माता जी, बाबा साहब की गौतम बुद्ध की तस्वीर मिलेगी, हमेशा उनकी पूजा करते हैं, हमें संविधान दुआया बाबा ने, ज्ञान दुआया बाबा ने, पानी दुआया बाबा ने, पर गणेश जी की मूर्ति के बिना तो पूजा नहीं होगी। नहीं, 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 नहीं।
ये कोई लक्ष्मी जी नहीं होंगी तो पैसा कैसे आएगा? कोई बात नहीं है, हम बहुत धर्म से आए हुए है, हम माड़ा से आए हुए है, चित्रोद के रहने वाले है, हाँ बहुत धर्म से आए हुए है हमारी, हम बेटियों को भी आएंगे तो बहुत धर्म से भी आएंगे, माड़ा से भी आएंगे, बहुत लाए माड़ा से लाए, हम पहले खोल कर देते चीज की रिश्तेदारी। मैं कह रही हूँ हमारे घर की बेटी हमारी लक्ष्मी है। आप कैसे मना रहे हैं, दीपदान उत्सव मना रहे हैं, दिवाली मना रहे? नहीं, हम दीपदान से मना रहे हैं, दीपदान से मना रहे हैं, बाबा साहब को मना रहे हैं, बुद्ध गौतम को मना रहे हैं, और अपने बच्चे के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ो लिखो शांत रहो और पढ़ लिख के कुछ बनो, जैसे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है वही अधिकार हमें दिलाओ। बिल्कुल, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया था, और आज दीपदानो उत्सव जो है वो इतने सारे बच्चे भी मना रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे साथ कितने सारे बच्चे हैं, और ये बच्चे जो हैं इन्होंने तख्तियां जो हैं वो काशीराम साहब की, गौतम बुद्ध की, बाबा साहब की, और रविदास जी की, सावित्री बाई फूले जी की, सम्राट अशोक की, सब ने प्रतिमाएँ ले रखी हैं, और जय भीम का झंडा भी ले रखा है, पंचशील का झंडा भी ले रखा है, और आपको मैं बता दूं कि ये बच्चे जो हैं ये कहीं से लाए नहीं गए हैं, ये इसी परिवार के बच्चे हैं, घर परिवार के, इसी कॉलोनी के हैं, ये मीत नगर कमल कॉलोनी के सारे बच्चे हैं, इनसे भी जानने की एक बार कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, बुद्ध ने जो राह दिखाई थी, और सम्राट अशोक ने जो आज के दिन 84,000 स्कंड बना करके पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलाए थे, उनके बारे में इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कुछ पता भी है या नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, मेरे ख्याल में सबसे छोटी बच्ची तो यही होगी, इसका मार्क्स हटा के मैं इसका फेस दिखाना चाहूँगा आपको, बड़ी क्यूट सी है ये, और दोबारा मार्क्स लगा लो कोई बात नहीं। इन सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज दीपदानो उत्सव क्यों मना रहे हैं, आप बताओ। दीपदान उत्सव मनाओगे? आप क्या मनाओगे? दीपदान उत्सव। दिवाली नहीं मनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने हमें गरीबों को देखा था और कि उनके घर में दिया नहीं जल रहा और हमें उन्हें एक दिया बांटना है और दीपदान उत्सव बनाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी दीपदान उत्सव बनाना चाहते हैं। जी क्यों? इसलिए कि उस दिन हमारे संत गुरुजी ने एक दिन वो एक रस्ते से आ रहे थे, उस दो घर थे, एक घर में तो एक गए की चक्की थी, लेकिन वो तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, उनके पड़ोसी जो थे वो बहुत बुरा खाना खा रहे थे, खाना ही नहीं खा रहे थे मतलब कि, तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी चक्की का क्या फ़ायदा, तो तुम्हारे पड़ोसी के ही काम नहीं आती। आप क्यों मना रहे हैं? सभी को जय भीम नवोध्याय। हम दीपदान उत्सव ये बना रहे हैं क्योंकि जो हमारे महान पुरुष थे उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करा, हमें भी इनके लिए कुछ इतना बहुत कुछ करना चाहिए, हम इनके लिए इतना तो कर सकते हैं, रोज़ दिया जलाएं और रोज़ दूसरों के घरों में दिया जलाएं, अपने घरों में से पहले और दूसरों के घरों में दिया जलाएं। दिवाली नहीं मना रहे? नहीं। दीपदानो उत्सव मनाएंगे? आप कैसे मना रहे दीपदानो उत्सव, कैसे मनाएंगे? हम मनाएंगे कैसे ये बताना, दिए जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, गणेश जी की मूर्ति लगाओगे, लक्ष्मी माता की मूर्ति लगाओगे, कैसे करोगे आप? मैं बाबा साहब की मूर्ति और बुद्ध हमारे जो महान बुद्ध थे उनकी मूर्ति के आगे दिया जला के मोमबत्ती जला के दीपदान उत्सव मनाऊंगा। आप कैसे मनाएंगे? मेरे को सभी को वैसे तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा, नमस्ते। मैं दीपदान उत्सव ऐसे बनाना चाहूँगा जैसे दिए लगा के हम सबसे पहले तो अपने पड़ोसी के वहाँ देंगे कि ये लीजिए, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बुद्ध, रविदास जी, उनके आगे हम लगा करके बनाना चाहेंगे। जी, आप कैसे बनाएंगे? हम जो अपने हमने हमारे महापुरुष हैं उनके आगे दिए जलाकर, और देखो हमारे यहाँ पे दिया जल रहा है, पड़ोस में दिया नहीं जल रहा है, ऐसा दिया का क्या फ़ायदा, पहले हमें दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, जब भी हमारा भला होगा। इसलिए ये बात आपको कहाँ से पता चली कि पड़ोसी को पहले देना चाहिए? अब देखो ये सोचने वाली खुद बात है, जब हमारा भला हो रहा है दूसरा इंसान अकेले खा रहा है, मतलब अकेले खुश नहीं है, ऐसी खुशी का हमारा क्या फ़ायदा जब दूसरा इंसान खुश नहीं है, पड़ोसी सही नहीं है तो। हाँ, और ये बात आई कहाँ से थी? ये हमारे गुरुजी ने सिखाई थी। गुरुजी ने सिखाई थी, और गुरुजी को किसने सिखाई? गुरुजी ने किताबें पढ़ते थे, गौतम बुद्ध ने सिखाई थी उन्हें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से भी बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं। बेटा, जय भीम का झंडा ले रखा है, कैसे मनाओगे आज? क्या मनाओगे, दिवाली? नहीं। क्या मनाओगे फिर? दीपदान उत्सव? हाँ। आपके क्या मनाओगे आप? दीपदान उत्सव मनाओगे? बड़ा क्यूट बच्चा है यार तू तो यार, हैं? आप कैसे मनाओगे बेटा? दीपदान उत्सव कैसे मनाओगे? दिए जलाओगे? हाँ। मोमबत्ती जलाओगे? नहीं, दिए जलाओगे, मोमबत्ती भी जला लो अब। हाँ, दिए भी जलाएंगे, मोमबत्ती भी जलाएंगे। तो फोटो किन की होगी? वो अम्बेडकर की। बाबा साहब की क्यों लगाओगे? बाबा साहब कोई भगवान कोई ना थे? नहीं, तब भी वे हमारा भला करते हैं, इसलिए हमें उनकी फोटो लगानी चाहिए। उनकी फोटो लगानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा?
हम भी दीपदान उत्सव बनाएंगे, क्योंकि हमारे महापुरुष ने कहा है कि अपने अपने घर में दिया जलाने से पहले पड़ोसी के घर में दिया जलाओ। जी बिल्कुल। आप बेटा आप क्या मना रहे हो? दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव आप बोल लेते हो दीपदान उत्सव। हाँ। कैसे मनाओगे? मिठाई खाओगे? हाँ। बहुत बढ़िया। आप ठीक है, आप कैसे मनाओगे? दिया जला के दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव। फोटो किसकी लगेगी वहाँ पर? अम्बेडकर की। और उसकी क्या नाम है, गौतम जी की। गौतम बुद्ध की। आप कैसे मनाओगे? दिए जलाकर। दिए जला के बिल्कुल। आप बेटा? दिए जला के। दिए जला के। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रविदास गुरु महाराज की। रविदास गुरु महाराज की।